खड़ा हो जाएगी चांद तेरी आज। तुम ले जाना, जुलूस निकल जाएगा। ना जुलूस निकल जाए, जुलूस क्या। मेरा तो मन कर रहा है कच्चा खा जाओ उसको, बहुत अच्छा लगता है कच्चा ये। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 11:30। अभी यहाँ पे देख लो जसनप्रीत देखो कितनी जिद कर रही है। कहाँ जाओगे तुम? मेला नहीं जाना बेटा, मेला देखो हाथ में थैला ले लिया है और मेला जाने की जिद कर रही है। अभी इसको बताओ मेला कहाँ पे है। अभी अभी तो मेला जुड़ा भी नहीं है बेटा, अभी लगभग 1 महीना लगेगा मेला आने के लिए। आज काफी धूप हो रही है, मौसम देखो कितना ज्यादा, कितनी तेज धूप निकल रही है। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होता है, बने रही वीडियो में। एकदम अब कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं ले जाओ। कहाँ जाओ बेटा? मम्मी ने ले जाएंगे। यहाँ पे बैठा रहा मम्मी को कि मम्मी नहीं ले जाएंगे, मम्मी नहीं ले जाएंगे। जल्दी। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने गार्डन पर मैं और जसन भी। देखो मेला जाने की जिद कर रही थी। मेला आ गए तुम? हैं? अब ठीक है, खेत पर ठीक है? अब जसन भी रोएगी, बोल रही थी मेला लेके जाना, मुझे मेला लेके जाना। अब इसको हम खेत पर ले आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो हमारा पूरा गार्डन खराब हो गया। ये बंद गोभी यहाँ पे मैंने की थी तो पूरी खराब हो गई, पूरी सड़ सी रही थी। आप देख लो ये मेथी करी थी हमने, देखो मेथी कितनी बढ़िया हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा इसमें घास है, बहुत ज्यादा। ये देख लो वाली जो घास है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो पूरे में घासी घास हो गई है और यहाँ पे पालक भी पूरी खराब हो गई है। तो हमने सोचा कि आज इसी को काम कर लेते हैं। नीरज और हम खाली थे घर पे, तो काफी दिन से हम गार्डन पे आए भी नहीं थे। मैं तो आया था लेकिन नीरज नहीं आई थी काफी दिनों से। तो नीरज बोल रही थी साफ कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे काट लेते हैं, क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं और फिर उसके बाद होली आ जाएगी, फिर उसके बाद इसमें माऊ बैठ जाती है। माऊ बैठ जाएगी उसके बाद खा नहीं सकते, यानी कि जो कीड़ा होता है ना वो बैठ जाता है इस पे, पूरी मेथी खराब हो जाएगी। अभी देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे मेथी लग रही है, आपको दिख रही हो। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सूरज देखो काफी तेजी से निकले हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ काम हो जाता है तो सही है। कौन सी घास होती है बताइए? ये मेथी ले गए तुम, देखो ये पेड़ मेथी। अरे नहीं ये घास है पागल, ये वाली मेथी थी। देखो ये मेथी बता रही है इसको, ये वो बोलते हैं रुजका बोलते हैं, वो बोलता है भैंसियों को खाया जाता है, ये वो है, ये मेथी है। अपना जानती नहीं, ये बोल रही कि मेथी है, मेथी है। चप्पल क्यों उतारी जाती है? नहीं घुसते है इस बरियाने में, घुसते नहीं लेके चप्पल। अच्छा, इसको यही नहीं पता चप्पल घुस लेके नहीं घुसते इसमें। की क्यों जब कुछ नहीं पता होता है तो क्या देखा शहर वाले में पागल बना। सर वालों क्या पता नहीं, कुछ देखा ही नहीं मैंने, ये चीज तो देखी नहीं। देखो दोस्तों नीरज अभी क्या कर रही है, घर से साग लेकर आई फैलाने के लिए, क्योंकि घर पे बंदर नुकसान करते हैं ना, घर पे कुछ भी करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे साथ में ही ले आई, मैंने कहा चल खेत में काम भी हो जाएगा, यहाँ पे देखो सूख भी जाएगा अच्छे तरीके से। तो पूरा साग यानी कोई काट के लेकर आई है, मेथी का ही साग है, ऐसा ही सुखा लिया जाएगा और गर्मी में फिर इसका यूज हो जाएगा। इसने हाथ कट जाएगा, अरे ये क्या कर रही है, हाथ कट जाता है। हाँ यही बैठ जाओ, तुम यही बैठ जाओ, खाना लेकर आए इसमें है, खाना लेकर आए इसमें, तो खाना लेकर आइए साथ में जसनप्रीत। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है? हाँ ऐसे बैठ जाओ, ओके। और गिर जाएगा सब, सब गिर जाएगा पागल। ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, बात को खाना बात को। अरे मानो नहीं, रख दो, गंदा हो जाएगा सब, गंदा हो जाएगा। मान नहीं रही देखो, अपना छोटे सा टिफिन लेकर आइए खाना खाने के लिए, भूख लग गई, बात को खाना, ठीक है? फोन नहीं देखना ना। रोटी खाओगे? खा लो तुम, खा लो। हाँ बात को खाना, बात को। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये देख लो यहाँ पे इतना भी साफ हो पाया हम पर दोनों पे, मैंने ही साफ किया, नीरज ने तो बिल्कुल साफ नहीं किया है। झूठ नहीं बोला, सच बोल रहा हूँ, मैंने इतना साफ किया है। और वो तो उसकी तो हवा निकल गई, बोल रही तो बोल रही मुझ पर नहीं हो पाएगा, गाँव वाले कैसे कर लेते हैं। इतना भी साफ कर पाई वही ज्यादा ज्यादा 2 बिलान बराबर पास, इतना ही हो पाया। उसके बाद कह रही आप ऐसे ही काट लो, ऐसे ही काट रहे नीरज? हाँ तो नीरज भी बोल रही तो ऐसे ही काट लेते हैं इसको। और दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ नीरज क्या कर रही है। देखो नीरज यहाँ पे कस्तूरी मेथी साफ कर रही है। कस्तूरी बोलते हैं, कसूरी मेथी बोलते हैं, कसूरी मेथी बोलते हैं। तो ये देखो हमारे थोड़े से बीच में यहाँ पे कसूरी मेथी है, इसका क्या क्या यूज होता है, सब्जी में पड़ती है, भुजिया सब्जी बनता है वैसे, जो रायता पराठे पूरी कचौड़ी में डाल लो ना, क्रश करके तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो दोस्तों यहाँ पे वही यहाँ पे मेथी है जो हमारे जैसे शादी ब्याह मिलती है ना, शादी ब्याह में सूखी होती है, सुखा लेते हैं, वो मेथी है ये। तो वो थोड़े से बीच में है, इसमें भी बहुत ज्यादा घास हो गई है। इसका कलर थोड़ा अलग प्रकार का है ना, अलग है। और इतनी सारी हमारी पालक है, इसमें भी बहुत ज्यादा घास हो गई है। हट जाओ, उधर उधर हट जाओ, ये कहाँ बैठ गई है,
कुछ ना कुछ कारनामे करती रहती है। ये भी साइड से नहरानी पड़ेगी। हाँ, एक कौन से नहराई जाएगी, एक कौन से इसके, एक कौन से असर के। हाँ ऐसे निकाली जाएगी, ऐसे ही ऐसे निकाल। हाँ एक कौन से पकड़ के ना, चुटकी से निकालिए, पकड़ के चुटकी से पकड़ो तो निकालो, ऐसे करके निकालते रहे। और जहाँ जहाँ कम में थी वहाँ पर आराम से खुरपी चला लो। इसको तो कुछ भी नहीं आता, गाँव का सब सिखाना ही पड़ता है दोस्तों। हंस रही है देखो। मैथी नहीं खाई, रोटी पसंद है, बिल्कुल साफ है और बिल्कुल घास नहीं है। तो इसका पतला साग और भुंजिया साग बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा आपको पता ही है। तो आज शायद हो सकता है आप पतला खाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए पतला साग नहीं खाया। मेरा तो मन कर रहा है कच्चा खा जाओ इसको, बहुत अच्छा लगता है कच्चा ये, बहुत स्वाद लग रहा है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, इतना सारा मैंने साग काट लिया है, बिल्कुल साफ साफ वाला, और ये घास वाला रह गया है। तो अब इसको देखते हैं, अगर काटना होगा तो काट लेते, नहीं तो फिर किसी दिन काटेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। और इतना ही काटने में मुझे काफी टाइम लग गया। और नीरज ने भी देखो यहाँ पे सारी मेथी साफ कर दी है, जो कस्तूरी मेथी है। अब हमारे लिए थोड़ा सा काम ये रह गया है, यहाँ पे ये लकड़ी रह गई है, ये बैंगन की लकड़ी। अरे गिर गए, हटो हटो हटो, ये बैंगन की लकड़ी है और इनसे काफी अच्छी रोटी बनती है। तो ये थोड़ी सी निकाल लेते हैं, इनको निकाल ले नीरज। हाँ सूख तो गई है, लेकिन यार भिगो दी पापा ने, मुझे लग रहा है पानी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे पानी भर गया है, सारी भीग गई, मुझे लग रहा है यार नीचे सब भीग गई। देखो ये पानी पूरा आ गया यहाँ पे, पापा ने ट्यूबवेल चलाया ना नहाने के लिए, तो सब पानी भर गया इसमें, सारी भीग गई मुझे लग रही नीचे यार। अरे तुम हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, इधर डाल देते हैं यार, तोड़ लेंगे। लगी दांत लग जाती है, अभी कुछ ना कुछ ये करती रहती, परेशान करती रहती, घर पे भी परेशान करती है, खेत पे भी परेशान करती है। दुपट्टा ही फाड़ लिया है, कुछ ना कुछ करती रहती, काम धान कम करेगी, कपड़े फाड़ेगी, कुछ करेगी, कुछ ना कुछ करना ही करना। अभी दोस्तों यहाँ पे मिलके यहाँ पे लकड़ी साफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो फिर रोटी कैसे बनेगी, गैस कहाँ से लाएंगे इतनी। फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो पूरी लकड़ी यहाँ पे साफ करवा दी है नीरज ने, और हमने दोनों ने मिलकर साफ कर दी है। तो चलिए इनको बांध लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर, सारे काम हो गए हैं यहाँ पे। ये है रस्सी यार जहाँ पे, हाँ जल्दी बंधवा दो, रस्सी मिल गई दोस्तों, देखो बांध लोगे, बांधना आता है, हैं? अरे ऐसे बंधेगी, ऐसे नहीं बंधेगी, ला मैं बांधता हूँ, तुम पकड़ो फोन, ऐसे ढीली रह जाएंगी। तुमने कभी बांधा हो तो जानो, ये तो हमने ही बांधा है, हमें पता है कैसे बांधेंगे। काय पे ले जाओगे, चांद पे ले जाएगी तुम। इतनी दूर घर है चांद पे, और कैसे ले जाएंगे, चांद पे रखवा दूंगा ऐसे उठा के। मोटरसाइकिल में ले आना। हाँ सही है, चलो 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 मैं वीडियो बना ली हूँ, तुम चलो। नहीं हल्की है बहुत, बहुत हल्की यार, आराम से ले जाएगी। तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती हूँ। क्या हो गया, काम तो करना पड़ेगा, गांव में हो तो रखो जल्दी, ठीक से उठाओ ठीक से, ज्यादा बहुत हल्का है यार, आराम से। हाँ चांद रखो, खड़ा हो जाएगी चांद तेरी आज, अभी तो हल्का वजन है बहुत, बहुत कहाँ ले जाओ, रुक तो जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो, बैठो ऐसे ले जाऊंगी, पहले बैठ दी, पैर पे रख लेना, अकेले आओगे तब ले जाना। अरे नहीं जुलूस निकल जाएगा, ना जुलूस निकल जाए, जुलूस क्या, देख बैठ के देख, अच्छा बैठ के देख, पहले जुलूस निकल जाएगा कह रही है, बैठ के तो देख, बैठ तू, जुलूस निकाल दो, जुलूस क्या है इसमें, खेत पे आना कोई बुरी बात थोड़ा है, इसमें शर्म शर्म की क्या बात है, अपने खेत पे जाना काम करना। चलिए चलते हैं, बहुत देर हो गई। तो दोस्तों नीरज बोल रही है खेत पे आना बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब ज्यादा काम पड़ता है ना तो खराब भी लगता है, अभी थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है ना, इस वजह से कह रही है खेत पे आना बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा काम पड़ता है ना तो आना मन नहीं करता है, कहते घर पे ही रहो घर पे ही रहो। तो फाइनली दोस्तों अभी आ गए हैं घर, अब हाथ मुंह धोते हैं और फिर खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना आ गया, ये देख लो, आ जाइए आप भी खा लीजिए, आलू की सब्जी बनाई थी नीरज जी ने सुबह, और बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ। जस्म को भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बाबू कह रहा है कि हमें खाना दे दो, तो मैंने यहाँ पे कचौड़ी बना दी, इसकी लो खाओ, पकड़ो पकड़ो। लाल मैं खाना खा लेता हूँ और इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखना चाहूंगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।